एक गांव में आकाश और विकास नाम के दो दोस्त रहते थे। आकाश गरीब था जबकि विकास अमीर था। कल यार पापा एक साइंस एग्जीबिशन में गए और दूरबीन खरीद लाए। बड़े लोग बड़ी बातें, अगर अच्छे दोस्त ना हो तो अमीरी में भी कोई सुख नहीं है। चल मैंने कल लस्सी पिलाई थी, आज तू समोसे खिला, चलो बाजार चलते हैं। आकाश और विकास बाजार जाते हैं तो देखते हैं कि दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। दोनों दोस्त दुकान के पास जाते हैं। काका दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है? समोसे की नई दुकान खुली है, ऐसे बढ़िया समोसे हैं, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। ला पैसे दे, दो समोसे खरीद लेता हूँ। नहीं बस तू अपने लिए खरीद, मुझे खट्टी डकारे आ रही हैं। आकाश अपने लिए एक समोसा खरीद रहा होता है तभी विकास की नज़र समोसे बेचने वाले पर पड़ती है। विकास समोसे बेचने वाले को कुछ शक की निगाहों से देखता है। बड़ी मुश्किल से एक समोसा मिला है, वाह ऐसा समोसा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया, तुम भी खा कर देखो, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। इस दुकान का नाम देख लेता हूँ, कल फिर यहाँ आऊंगा। आकाश दुकान का नाम देखता है, दुकान का नाम होता है जादुई समोसे। तुमने एक बात नोट की? क्या? हर कोई समोसे वाले के समोसे की तारीफ कर रहा है और कह रहा है एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। मुझे तो जादुई समोसे में कुछ गड़बड़ लग रही है, उस समोसे वाले को देखकर भी मुझे शक हो रहा है। जासूसी नॉवेल पढ़कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चलो घर चलते हैं, अंधेरा हो गया है और बारिश भी आने वाली है। आकाश और विकास अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन आकाश जब सोकर उठता है तो उठते ही उसे जादुई समोसे वाली दुकान के समोसे खाने का मन करने लगता है। आकाश का चारपाई बुनने का खानदानी काम था। बेटा रामपाल अपनी खटिया दे गए हैं, सादा बुनाई डालनी है उसमें। जी पिताजी। आकाश खटिया बुनने बैठता है लेकिन अपने काम में बिल्कुल ध्यान ही नहीं लगा पाता। पिताजी मैं समोसे खाने जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। दो तीन दिन तो आकाश के पिताजी ने आकाश से कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर एक दिन आकाश जब सुबह सुबह समोसे खाने जाने लगा तो पिताजी ने उसे टोक दिया। ये रोज रोज क्या समोसे खाता रहता है, पेट खराब कर लिया है तूने समोसे खाकर अपना? पहले तो तूने इतने समोसे कभी नहीं खाए, लेकिन पिछले दो तीन दिनों से तो तूने हद कर रखी है, आज मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। लेकिन पिताजी मैं बिना समोसे खाए नहीं रह पाऊंगा। आकाश के पिताजी ने आकाश का हाथ पकड़ लिया लेकिन आकाश फिर भी नहीं रुका। गांव वालों मेरा लड़का पागल हो गया है, जरा इसे रोकने में मेरी मदद करो। आकाश के पिताजी आकाश को पकड़ते हैं। पिताजी को एक आदमी पकड़ता है, उस आदमी को दूसरा आदमी पकड़ता है, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, इस तरह पूरी एक चेन बन जाती है। आकाश अपने पिताजी से हाथ छुड़ा लेता है, पूरी चेन एकदम से गिरती है। आकाश उस दिन भी जाकर समोसे खाता है। अगले दिन आकाश के पिताजी विकास के घर जाते हैं। विकास बेटा पता नहीं आकाश को क्या हो गया है, बाजार में जादुई समोसे नाम की जो नई दुकान खुली है बार बार उसी दुकान के समोसे खाने जाता है। आप चिंता ना करें अंकल जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उस दिन जब रात को जादुई समोसे की दुकान का मालिक दुकान बंद करके अपने घर की ओर लौट रहा था तो विकास ने दूरबीन से उसे देखा। विकास दुकान के मालिक का पीछा करता है। बहुत जल्द पूरे गांव को हमारे समोसे की लत लग जाएगी, तब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। गांव वाले मूर्ख जानते ही नहीं कि तुम एक केमिस्ट हो और समोसों में नशीला पदार्थ मिलाते हो और फिर लोगों को समोसे की लत पड़ जाती है। हल्के बोल, किसी ने सुन लिया तो मारे जाएंगे। विकास सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन विकास कुछ गांव वालों के साथ जादुई समोसे वाली दुकान पर पहुंचता है। क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे मुखिया चाचा, पहले तुम समोसे खाओ।
मुखिया चाचा समोसे खाते हैं। अब मेरा और समोसे खाने का मन कर रहा है। सच सच बताओ, तुम अपने समोसे में क्या मिलाते हो? आलू और मसालों के अलावा मैं कुछ भी नहीं मिलाता अपने समोसे में। सच बोल दो वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही दुकान का मालिक डर जाता है और सब कुछ कबूल कर लेता है। मुझे माफ कर दो, अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए मैं समोसों में नशीला पदार्थ मिलाता था ताकि लोगों को समोसे की लत लग जाए और वो बार बार मेरी दुकान पर समोसे खाने आए। विकास तुरंत पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस आकर केमिस्ट को गिरफ्तार करती है। इसीलिए मैं तुमसे कहा करता था कि बाहर की चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए। एक गांव में बबलू नाम का एक लड़का रहता था। बबलू अनाथ था। वो गांव वालों की भैंस, गाय, बकरियां चराता था। बदले में गांव वाले बबलू को तीज त्योहार पर घर बुलाकर खाने को मिठाई वगैरह दे दिया करते थे। बबलू मिठाई खाकर खुश रहता और जानवरों को चलाते हुए जंगल में बैठा बांसुरी बजाता रहता था। एक दिन गांव में वसंत पंचमी का उत्सव था। उस दिन बबलू को ढेर सारी मिठाइयां मिली। जब बबलू जंगल में बैठकर मिठाई खा रहा था तो एक बूढ़ा आदमी बबलू के पास आया। बेटा, 3-4 दिन से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ी मिठाई मुझे भी दे दो। बबलू ने अपनी आधी मिठाई उस बूढ़े आदमी को दे दी। जैसे ही आदमी हाथ में मिठाई लेता है वो एक वन देवता में बदल जाता है। तुम बहुत दयालु हो बबलू, तुमने बिना सोचे समझे अपनी आधी मिठाई मुझे दे दी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें 4 चीजें देता हूँ जो मुसीबत के समय तुम्हारे काम आएंगी। वन देवता बबलू को 3 टोकरियां देते हैं। पहली टोकरी में आंधी और तूफान है, दूसरी टोकरी में बारिश और ओले हैं, तीसरी टोकरी में आग है। ऐसा कहकर वन देवता गायब हो जाते हैं। वन देवता ने तो कहा था कि वो मुझे 4 चीजें देंगे, चलो कोई बात नहीं, 3 चीजें ही काफी हैं। बबलू अपने पास बची पूरी मिठाई नहीं खा पाता है और मिठाई को जमीन में गाड़ कर चला जाता है। जब बबलू अगले दिन उस जगह पर आता है तो वह देखता है कि जहाँ उसने मिठाइयाँ गाड़ी थी वहाँ एक मिठाई का पेड़ उगाया है जिस पर ढेर सारी मिठाइयाँ लगी हुई हैं। लगता है ये वन देवता का 4th इनाम है। बबलू पेड़ पर चढ़ जाता है और मिठाई खाने लगता है। उसी समय जंगल से एक बूढ़ी राक्षसी गुजर रही थी। उसने बबलू को देख लिया। अरे, आज तो बहुत बढ़िया शिकार मिला है, इसकी तो मैं मसालेदार सब्जी बनाकर खाऊंगी, लेकिन पहले इसे पेड़ से नीचे उतारना होगा। बूढ़ी राक्षसी एक सुंदर औरत का रूप धारण करके मिठाई के पेड़ के पास जाती है और बबलू से कहती है, अरे बबलू बेटा, पेड़ पर इतनी मिठाई लगी हुई है, अगर तू थोड़ी मिठाई तोड़कर मुझे भी दे देता तो मैं भी खा लेती। मैं मिठाई नीचे फेंक देता हूँ, तुम खा लेना। अरे बेटा, अगर तू मिठाई तोड़कर नीचे फेंकेगा तो मिठाई गंदी हो जाएगी। तो तुम अपना आंचल फैला लो, मैं उसमें फेंक देता हूँ। बेटा, मेरा आंचल गंदा हो जाएगा, उसमें से महक आने लगेगी, तो थोड़ी मिठाई मुझे नीचे उतर कर दे दे। बबलू बूढ़ी राक्षसी के छल कपट को नहीं समझ पाता। जैसे ही वो पेड़ से नीचे उतरता है बूढ़ी राक्षसी अपने असली रूप में आ जाती है और बबलू को एक बोरे में बंद कर लेती है। वो बबलू को बोरे में बंद करके अपने घर ले जाती है।
सुन चंदा, इस बोरी में मैं शिकार पकड़ कर लाई हूँ। इसको पहले बांध दे, फिर इसका सिर काट दे और इसकी सब्जी बना लेना खूब मसाले डालकर। मैं अभी नहा कर आती हूँ। बूढ़ी राक्षसी नहाने चली जाती है। लड़की जब बोरा खोलती है तो वो देखती है कि उसमें बबलू नाम का एक सुंदर लड़का है। लड़की को बबलू के ऊपर दया आ जाती है। दोनों में कुछ देर बातचीत होती है। ये राक्षसी मेरी कोई नहीं है, कई साल पहले ये गांव से मेरी माँ को पकड़ कर लाई थी। मैं उस समय अपनी माँ के पेट में थी, वहीं पर मेरा जन्म हुआ। राक्षसी मेरी माँ को खा गई और इसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। ये मुझसे अपने घर के सारे काम करवाती है। बबलू और चंदा मिलकर राक्षसी के घर से भाग जाते हैं। जब राक्षसी नहा कर लौटती है तो देखती है कि चंदा और वो लड़का दोनों गायब हैं। लगता है दोनों मिलकर भाग गए। राक्षसी उनके पीछे पीछे जाती, चंदा पीछे मुड़ कर देखती है। राक्षसी तो हमारे पीछे आ रही है, अब क्या करें? तभी बबलू को वन देवता की दी गई 3 टोकरियां ध्यान आती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस राक्षसी को भगाता हूँ। बबलू सबसे पहले आंधी और तूफान की टोकरी खोलता है, लेकिन तेज आंधी और तूफान के बीच भी राक्षसी हार नहीं मानती। वो उन दोनों का पीछा करती रहती है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। फिर बबलू बरसात और ओले की टोकरी खोलता है। राक्षसी घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी पीछा करना नहीं छोड़ती। बबलू और चंदा भागते भागते गांव पहुंच जाते हैं। गांव वाले उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या हुआ बच्चों, क्यों भाग रहे हो? बूढ़ी राक्षसी हमें मारने के लिए हमारा पीछा कर रही है। अरे हम सब भी राक्षसी के आतंक से बहुत परेशान हैं। चंदा, अब मजबूरी में हमें इस राक्षसी को मारना ही पड़ेगा। गांव वाले भी इससे परेशान हैं, और अगर हम इसे नहीं मारते हैं तो ये हमें मार डालेगी। तो बबलू अंत में आग की टोकरी खोल देता है। बूढ़ी राक्षसी जलकर मर जाती है। तभी गांव के मुखिया भी वहां पहुंचते हैं। बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, गांव वालों को बूढ़ी राक्षसी से मुक्त करा दिया। वो अक्सर हमारे जानवर खा जाया करती थी। इनाम के रूप में मैं तुम्हें एक घर दे रहा हूँ। गांव वाले बबलू और चंदा की शादी करा देते हैं। फिर बबलू और चंदा घर बसाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।